दौसा से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व कलेक्टर, एसपी और हेड कांस्टेबल पर 3,40,000 का हर्जाना कोर्ट के अपर सेशन मजिस्ट्रेट मोहनलाल सोनी ने सुनाया है। आपको बता दें, सेशन मजिस्ट्रेट ने मानहानि के मुकदमे में ये फैसला दिया। मामले में कोर्ट ने पीड़ित को 2005 में बरी कर दिया था। प्रार्थी नीतीश कुमार के पारिवारिक विवाद में कार्रवाई की थी। प्रार्थी हितेश कुमार शर्मा के खिलाफ पुलिस ने से मारपीट का झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। राज्य कार्य में बाधा का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था। तत्कालीन कलेक्टर असवाल, एसपी देवेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल गुलाब सिंह पर अब 3,04,000 का हर्जाना कोर्ट ने लगाया है। 62,000 कोर्ट की फीस जमा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं 6% ब्याज प्रार्थी को अदा करने के कोर्ट के आदेश मिले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता विष्णु आशीर्वाद। विष्णु, लंबा समय चला केस और अब जब फैसला सामने आया है, हर्जाना लगाया गया है, पूर्व कलेक्टर पर हर्जाना लगा है, एसपी पर, कांस्टेबल पर, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल, वास्तव में आपने की बहुत पुराना मामला है, करीब 15 साल पुराना मामला है, जिसमें तत्कालीन कलेक्टर लालचंद असवाल और एसपी और हेड कांस्टेबल के ऊपर अब 3,04,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। कि एक पारिवारिक मामला था जिसमें झूठा मुकदमा दर्ज किया गया परिवार के खिलाफ, और उस परिवार को हालांकि 2005 में उसे जो मानहानि का दावा किया था उसमें बरी भी कर दिया था, और जो आरोप लगे थे उससे बरी कर दिया। उसके बाद में उसने वापस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने अब आदेश दिए हैं कि जो तत्कालीन एसपी जो थे और कलेक्टर और साथ जो हेड कांस्टेबल था जिसने आरोप लगाया था कि पुलिस से मारपीट की है, इसी को लेकर उन्होंने फैसला सुनाया और बहुत ही बड़ा फैसला सुनाते हुए उस पर जुर्माना भी किया है। साथ ही 62,000 रुपए के कोर्ट का फीस और 6% ब्याज की दर से जो परिवार जी है पीड़ित है हितेश कुमार शर्मा को अदा करने के आदेश दिए गए हैं। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट का फैसला आया है और प्रार्थी को यहाँ पर राहत मिलती दिखाई दी है।